दमोह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबेरा में निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था का लाभ मिले, जिसके मुख्य अतिथि विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी रहे। जबेरा में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विकासखंड स्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेला का आयोजन मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबेरा के परिसर खेल मैदान में किया गया, जिसमें लगाए गए 27 स्टॉलों में जिला मुख्यालय से आए डॉक्टरों की टीम द्वारा स्वास्थ्य मेले में पहुंचे सैकड़ों लोगों ने अनेक रोगों से संबंधित डॉक्टरों से परामर्श लेकर जांच कराई व स्वास्थ्य लाभ हेतु दवा प्राप्त की। इसके पूर्व क्षेत्रीय विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, जिला उपाध्यक्ष रूपेश सेन एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा माता धन्वंतरी देवी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। राजधानी समाचार के लिए दमोह से जिला चीफ ब्यूरो सुरेंद्र सिंह लोधी की खास रिपोर्ट। मंच पर विराजमान हमारे क्षेत्र के विधायक भाई धर्मेंद्र मोदी जी, सांसद प्रतिनिधि से है, जो कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब जो देश संपूर्ण हो जाएंगे हमारे, उसको पूरी यूपीआई मूलक योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी और उस जानकारी का वो उपभोग करेगा। तो तीसरा उद्देश्य है हमारे माननीय मोदी जी ने किए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आने वाले 50 साल पानी की समस्या को हल करने विकासखंड स्तर पर जबेरा में किया गया है। इसके पहले तेंदुखेड़ा में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया था। स्वास्थ्य मेले के आयोजन का उद्देश्य ये है कि इसमें सारे डॉक्टर, सारे विशेषज्ञ उपस्थित होते हैं और इसमें जो गांव का गरीब व्यक्ति है, जो दूर नहीं जा सकता, उसको यहां चिकित्सा की सुविधा हम उपलब्ध करवाते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय शिवराज जी का और स्वास्थ्य मंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.